नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारी ज्योतिष में धर्मपत्नी को शुक्र का कारक माना जाता है। धर्मपत्नी के साथ में कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, मानसिक प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी के साथ में मानसिक अत्याचार करते हैं, सुबह शाम क्लेश करते हैं, उनका शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र के खराब हो जाने पर संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर्यत्रिकम उस व्यक्ति की स्थायी संपत्ति नष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को व्यापार में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में होने वाली पांच छोटी छोटी गलतियां जो आम गृहस्थ को बहुत दुख पहुंचाती है, आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। और यदि आप गृहस्थ हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। शास्त्र कहता है कि संन्यास आश्रम को, ब्रह्मचर्य आश्रम को निभाना बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से निभा ले वह बड़ी से बड़ी तपस्या मानी जाती है। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, अपनी धर्मपत्नी से कभी भी दैनिक वाद विवाद ना करें। सुबह शाम जिस घर में किचकिच होती है वहां व्यापार में बड़ी बड़ी हानियां, टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ता है। और काम छोड़कर आपकी धर्मपत्नी की जो मूल जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा जरूर करें। जिस व्यक्ति की धर्मपत्नी मानसिक रूप से असंतुष्ट रहती है उस घर में कभी भी स्थायी लक्ष्मी का निवास हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने घर में मारपीट करते हैं वहाँ से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाती है। ऐसे आदमी के द्वारा किया गया मंत्र जाप, पूजा पाठ, दान पुण्य, कोई भी कर्म उसका साथ नहीं देता और वहाँ पर गरीबी और दरिद्रता का निवास हमेशा के लिए हो जाता है। जिस व्यक्ति की धर्मपत्नी मैले कुचैले वस्त्र धारण करती है, दरिद्र रहती है, फटे पुराने कपड़े पहनती है, वहाँ पर भी दोस्तों बड़े बड़े संकट, अकाल मृत्यु, टेंशन, तनाव, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियाँ ऐसे परिवार में आती हैं। और जिस घर की जो स्त्री है वह संतुष्ट नहीं रहती, सजकर नहीं रहती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, अच्छे वस्त्र आभूषण धारण नहीं करती, प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहती, वहाँ पर भारी संकटों का आना, वहाँ पर अकाल मृत्यु का आना निश्चित है। देर सवेर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। जहाँ पर पति और पत्नी एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं वह घर का विनाश निश्चित है, चाहे देर में हो या सवेर हो, उससे मुझे तो कुछ ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर उनकी दुर्गति होनी पक्की बात है। जहाँ पर संतुष्टि रहती है वहाँ पर ही परमात्मा निवास करता है। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम अपने दैनिक जीवन में फॉलो नहीं करते और नुकसान उठाते हैं। धर्मपत्नी के दरिद्र अवस्था में रहने पर, मैले कुचैले कपड़े पहनने पर, साज सजकर ना रहने पर बहुत सारी दिक्कतें परिवार में आती हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं कामना करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। दोस्तों, अपनी धर्मपत्नी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, मानसिक प्रताड़ना ना करें, समझाएँ और कोई भी महत्वपूर्ण विषय है उस पर बैठकर चर्चा करें। बहुत बड़ी आवश्यकता है तो फिर उस पर आगे विचार करें, लेकिन जहाँ तक हो सके चिक-चिक जो होती है रोज़ाना की, वह आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को भारी पड़ती है। नमस्कार।